मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो पिछली बार हमने कविता सीखी थी, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। याद है सबको? हमने कविता का अर्थ पढ़ा था और हमने पिछले देखो शब्दार्थ और कठिन शब्द हमने सीखे थे। शब्दार्थ और कठिन शब्द पिछली बार हमने सीखे थे, तो आज हम फिर से कविता दोहराएंगे। आप भी मेरे साथ बोलो, घर में है तभी भी आप भी मेरे साथ बोलो। सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, लगता तुमको नींद न आती और कोई काम तुम्हें, जरा नहीं भाता क्या मेरा बिस्तर पर आराम तुम्हें, खुद तो जल्दी उठते हो मुझे उठाते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, कब सोते हो कब उठते हो, कब सोते हो कब उठते हो, कहाँ नहाते धोते हो, तुम तैयार बताओ हमको झटपट कैसे होते हो, लाते नहीं टिफिन क्या खाना खाकर आते हो, लाते नहीं टिफिन क्या खाना खाकर आते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, रविवार विद्यालय बंद रहता, रविवार विद्यालय बंद रहता, मंगल को बाजार भी कभी कभी छुट्टी कर लेता, पापा का अखबार भी, ये क्या बात तुम्हें पर छुट्टी नहीं मनाते हो, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। देखो आप सबको बहुत ही अच्छी लगी थी ये पोएम, आपको समझी है? देखो मैंने सिखाई है शब्दार्थ हुए, कठिन शब्द हुए हैं और ये मौखिक शब्द क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको नोटबुक में लिखकर दूंगी। पहले आप पेज नंबर 15 ये ओपन करो। देखो पहला ही प्रश्न है, सही उत्तर के सामने टिक बनाओ। कौन जल्दी आ जाता है, कौन जल्दी आ जाता है, सूरज जल्दी कौन आ जाता है, सूरज, सूरज के सामने टिक करो। देखो सूरज ये शब्द लिखा है, उसके सामने टिक करो। उसके बाद कौन जल्दी उठ जाता है, उड़ भी कौन जल्दी जाता है, दूसरे का भी आंसर क्या है, सूरज ही है। दूसरे का आंसर भी क्या है, सूरज ही है। बाजार किस दिन बंद रहता है, देखो हमारे खेल का बाजार किस दिन बंद करता है, नहीं पूछा है। कविता में बाजार किस दिन बंद रहता है, तो कौन सा आंसर आएगा, बाजार मंगलवार को बंद रहता है, बाजार मंगलवार को बंद रहता है। तो जहां मंगलवार लिखा है वहां क्या करना है, टिक करना है। समझ गए, ये तीन आंसर आपने टिक किए, सूरज पहले का आंसर है, सूरज दूसरे का आंसर है, सूरज और तीसरे का आंसर है मंगलवार। हो गया। अभी देखो क्वेश्चन आंसर, प्रश्न के उत्तर लिखो, लेकिन आप ये टेक्स्टबुक में मत लिखो, अपने नोटबुक में पहला क्वेश्चन लिखो, बालिका के अनुसार किसे नींद नहीं आती है। पहला क्वेश्चन, बालिका के अनुसार किसे नींद नहीं आती है, पहला क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद आंसर, बालिका के अनुसार सूरज को नींद नहीं आती है। कविता में क्या दिखाया है, बालिका के अनुसार सूरज को नींद नहीं आती है, आंसर लिख कर लो, बालिका के अनुसार सूरज को नींद नहीं आती है। आपने क्वेश्चन बाद में लिखा तभी भी चलेगा, अभी एक क्वेश्चन और आंसर होने के बाद एक लाइन हमें छोड़नी है, एक लाइन छोड़कर दूसरा क्वेश्चन हमें लिखना है, बालिका सूरज से तैयार होने के बारे में क्या पूछती है, बालिका सूरज से तैयार होने के बारे में क्या पूछती है, तो उसका आंसर देखो, बालिका सूरज से झटपट तैयार होने के बारे में पूछती है, बालिका सूरज से झटपट तैयार होने के बारे में पूछती
लिखो, सिर्फ आंसर लिखो। बालिका सूरज से झटपट तैयार होने के बारे में पूछती है, एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ो। तीसरा क्वेश्चन, सूरज किसे जल्दी उठा देता है? सूरज किसे जल्दी उठा देता है? सूरज किसे जल्दी उठा देता है? बालिका को। सूरज बालिका को जल्दी उठा देता है। लिखिए तीन आंसर। क्वेश्चन आपने बाद में लिखा तभी भी चलेगा, आंसर लिख कर लो, सिर्फ आंसर लिख कर लो, बाद में क्वेश्चन लिखो, आपके नोटबुक अच्छी चाहिए। एक क्वेश्चन और आंसर के बाद एक लाइन छोड़नी है। चौथा क्वेश्चन है, कभी कभी कौन छुट्टी कर लेता है? कभी कभी कौन छुट्टी कर लेता है? कभी कभी कौन छुट्टी कर लेता है? कौन छुट्टी कर लेता है? कभी कभी है ना, पोएम में कभी कभी छुट्टी कर लेता पापा का अखबार भी। कभी कभी कौन छुट्टी कर लेता है? पापा का अखबार भी। अभी आप थर्ड स्टैंडर्ड में गए हैं, आपको पूरे सेंटेंस में आंसर लिखना चाहिए। कीजिए, कभी कभी पापा का अखबार, अखबार का अर्थ क्या है? न्यूज़पेपर, अखबार। कभी कभी पापा का अखबार छुट्टी कर लेता है। कभी कभी पापा का अखबार छुट्टी कर लेता है। हो गए आपके चार क्वेश्चन आंसर, ठीक से आपको दिख रहा है? देखो, पहला क्वेश्चन था बालिका के अनुसार किसे नींद नहीं आती, उसका आंसर है सूरज। इसमें नहीं लिखना है, मैंने आपको बोला है नोटबुक में लिखो, ऊपर कविता का नाम लिखो, प्रश्न उत्तर, उसके बाद कभी कभी। पहला क्वेश्चन है बालिका के अनुसार किसे नींद नहीं आती, बालिका के अनुसार सूरज को नींद नहीं आती। बालिका सूरज से तैयार होने के बारे में क्या पूछती है? बालिका सूरज से झटपट तैयार होने के बारे में पूछती है। सूरज किसे जल्दी उठा देता है? सूरज बालिका को जल्दी उठा देता है। चौथा क्वेश्चन है, कभी कभी कौन छुट्टी कर लेता है? कभी कभी पापा का अखबार छुट्टी कर लेता है। हो गए चार क्वेश्चन आंसर। उसके बाद यहाँ कविता है, कविता की पंक्तियां पूरी करो, तो आप ये बाद में कंप्लीट करो, पीछे आपके पास कविता है। कविता में जो देखो ये सेंटेंस दिए हैं वो देखकर आप कंप्लीट करो। नेक्स्ट पेज ओपन करो, देखो नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16। गलत मात्रा वाले शब्द पर गोला लगाओ। गलत मात्रा, उसका अर्थ क्या है? पहली ई, दूसरी ई, पहला ओ, दूसरा ओ, जो शब्द को गलत लगा है उसको हमें क्या करना है? सर्कल करना है। देखो पहले ही क लाइन में दिया है बिस्तर। अभी ये क्वेश्चन आंसर सबके हो गए हैं, तो देखो पहला शब्द है बिस्तर, सूरज, रविवार और टिफिन। बिस्तर, सूरज, रविवार और टिफिन। देखो सूरज को कौन सी मात्रा है, सूरज को कौन सी मात्रा है, यहाँ कौन सी मात्रा है सूरज को? दूसरी ऊ की मात्रा है। और इसमें कौन सी दिखाई है, इसमें कौन सी दिखाई है? पहली की मात्रा दिखाई है।
अखबार पापा छुट्टी। तो कौन सा गलत है इसमें देखो, बाजार अखबार गर्ल लाइन में देखो बाजार अखबार पापा छुट्टी। बाजार ये शब्द ब को आ की मात्रा चाहिए लेकिन यहाँ बाजार लिखा है बाजार, सही है क्या? नहीं गलत है, तो उसको क्या करना है, सर्कल करना है। उसके बाद घ लाइन में देखो घ झटपट खाकर जल्दी रविवार, झटपट खाकर जल्दी रविवार। आप अपनी टेक्स्ट बुक में घ लाइन में देखो तो देखो रविवार ये शब्द वो रविवार को कौन सी मात्रा आती है, कौन सी मात्रा आती है वो पहले की आती है, तो ये क्या है, गलत है, समझ गए? तो ये रविवार को क्या करना है, सर्कल करना है, हो गया सबका। अभी देखो उदाहरण के अनुसार वर्ण लगा अलग करके लिखो, उदाहरण के अनुसार वर्ण अलग करके लिखो। अभी हमें क्या करना है, वर्ण अलग करके लिखना है। अभी आपने सेकंड स्टैंडर्ड में मात्राएं सीखी ना अलग अलग करके, फिर हमें अभी मात्रा अलग नहीं करनी है, विच्छेद नहीं करना है, हमें सिर्फ वर्ण अलग करके लिखने हैं। क्या करने हैं हमें, वर्ण वर्ण अलग करके लिखिए, वर्ण अलग करके लिखिए। तो देखो सूरज पहला शब्द क्या है, सूरज, तो ये कैसे अलग करना है, सिर्फ हमें वर्ण अलग करने को के लिए कहा है, मात्राएं नहीं, तो हम एकदम इजी है। देखो सू प्लस र प्लस ज, वर्ण अलग करके किया है सूरज। दूसरा क्या है, दूसरा रविवार, रविवार र प्लस वी प्लस वा प्लस र रविवार। बाजार बाजार बा अधिक जा अधिक र बाजार, वर्ण से अलग करके लिखना है। बिस्तर, अब ये देखो जुड़ा हुआ अक्षर है ना, आधा स और आधा त, फिर कैसे रहेंगे, बी प्लस आधा स प्लस पूरा त प्लस र, बिस्तर। छुट्टी, छुट्टी ये भी क्या है, छु प्लस आधा ट प्लस आधा टी, छुट्टी सिर्फ वर्ण अलग करके लिखना है। जल्दी, जल्दी ये भी क्या है, जोड़ाक्षर है, ज प्लस आधा ल प्लस दी, जल्दी। अभी देखो यहाँ ज्यादा दिए नहीं है, है ना, इसमें ज्यादा दिए नहीं है, लेकिन आपको नोटबुक में होमवर्क के लिए देखो नोटबुक में आप लिख कर लो, अखबार अखबार अ प्लस ख प्लस बा प्लस र अखबार। ऐसे ही नोटबुक में से आप कौन से भी पांच शब्द ले लो, कौन से भी पांच जो आपको इजी लगते हैं, उसमें से कौन से भी, भाता आराम झटपट खाकर टिफिन हमको, कौन से भी पांच शब्द लेकर आप ऐसे वर्ण अलग करके लिखिए, ये लिखो। आपको समझ रहे हैं ना, सूरज एकदम इजी है, हमें मात्राएं अलग नहीं करनी है, हमें अक्षर के साथ वर्ण के साथ अलग करना है, इसलिए देखो मात्राएं हमने लगाई है यहाँ, रविवार बाजार बिस्तर, कंप्लीट करो। इसके बाद देखो कविता से आ की मात्रा वाले शब्द और पहली की मात्रा
टिफिन है ना, बालिका, अखबार, खाना, आराम, ऐसे शब्द आएंगे। और नीचे चित्र दिए हैं, नीचे तीन चित्र दिए हैं, देखो नीचे चित्र दिए हैं। इस चित्र में पहला चित्र कौन सा है, ये आपको होमवर्क है। ये आ की मात्रा के शब्द आप ढूंढ कर लिखेंगे, पहले ए की मात्रा के शब्द आप ढूंढ कर लिखेंगे। पहला चित्र है सूरज, कौन सा चित्र है, सूरज। उसके बाद कौन सा चित्र है, आप टिफिन लाते हैं ना कि नहीं लाते हैं आप, हाँ तो क्या है ये, टिफिन। उसके बाद आपके घर में जो आता है, आपके घर में आता है ना अखबार, क्या न्यूज़पेपर, अखबार लिखकर। पहला चित्र है सूरज, दूसरा चित्र है टिफिन और तीसरा चित्र है अखबार। सूरज, टिफिन और अखबार। नेक्स्ट पेज में आपको सूरज दिखाया है, चित्र को पूरा करना है और उसमें रंग भरने हैं। देखो और यहाँ आपका आपके काम दिए हैं, जागना, नहाना, नाश्ता करना, विद्यालय जाना, विद्यालय से लौटना, दोपहर का खाना खाना, होमवर्क करना, खेलना, शाम की पढ़ाई, रात का खाना और सोना। इसमें सिर्फ समय लिखने हैं, क्या लिखने हैं, इसमें काम देखकर, इसमें मम्मी को पूछकर, इसमें समय लिखने हैं। देखो अभी ये कविता हमारी पूरी हुई है, लेकिन हमारी वर्कशीट अभी बाकी है और ये तीन क्वेश्चन बाकी है। नेक्स्ट पीरियड को हम ये तीन क्वेश्चन देंगे और ये कंप्लीट करो।